महर्षा वाल्मीकि के आत्मा की शांति व हत्यारों के आरोपियों के उचित कार्यवाही के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। हाथरस उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि नामक एक दलित लड़की को चार दरिंदों ने सामूहिक गैंगरेप किया और उसकी जुबान काट दिया, साथ ही साथ गले की हड्डी को तोड़ दिया, जिसकी जान 29 सितंबर को सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में मौत हो गई। उसी घटना के संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन मिर्जापुर यूनिट विधानसभा मड़िहान के अंतर्गत सिरसी मोड़ चौराहे पर विधानसभा के अध्यक्ष अखिल शेखावत जी के नेतृत्व में पीड़िता के आत्मसम्मान के लिए 2 मिनट का मौन धारण व कैंडल मार्च निकाला गया और पीड़िता के आरोपियों के खिलाफ उचित सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा की राशि की मांग व एक सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराने जाने की मांग की गई है। प्रदर्शन में उपस्थित पदाधिकारी मिलेंद्र शेखर, धर्मराज राणा, विद्यासागर, नागेंद्र कुमार, महेंद्र धोनी, एसके राव, राजेश विनोद, सिद्धार्थ, राजमहेश, सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से अभिमन्यु कुमार पटेल की खास रिपोर्ट। हाय हाय योगी मोदी हाय हाय।